हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑनेस्ट क्रिएशन। नाम है जगदीश, ये है जतिन, ये है भावेश, बाबा चिंकी। ओके, तो आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है 10 मोस्ट हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन पाकिस्तान। अच्छा, सबसे ज़्यादा पैसा है कौन सी जॉब में मिलते हैं पाकिस्तान में? तो इंडिया में भी पता नहीं हमको, तो चलो पहले पाकिस्तान में देख लेते हैं कि कितनी कितने पैसे मिलते हैं, लोग कितने कमाते हैं। दीपू कितना कमाता है? चलो तो मिलके देख लेते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से अच्छी जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर अच्छी जॉब मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा सैलरीज वाली जॉब्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 10, क्रिएटिव डिज़ाइनर। दोस्तों, आजकल ग्राफिक डिज़ाइनर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें पिक्चर्स और मोशन ग्राफिक्स के जरिए ऐसे डिज़ाइंस क्रिएट किए जाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एडवर्टाइजिंग, वेब डिज़ाइनिंग और बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर क्रिएटिव डिज़ाइनर की सैलरी 15,000 से लेके 80,000 रुपये पर मंथ तक होती है। नंबर 9, टेलीकॉम इंजीनियर। टेलीकम्युनिकेशन पाकिस्तान के अंदर फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है जो कि अपनी सर्विसेज के जरिए अरबों रुपए का कारोबार कर रहा है। टेलीकॉम इंजीनियर का काम वायरलेस सर्विसेज, रेडियो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करना है। पाकिस्तान के अंदर टेलीकॉम इंजीनियर की सैलरी 25,000 से लेके 1,00,000 रुपये महीना तक होती है। नंबर 8, प्रोजेक्ट मैनेजर। दोस्तों, ये जॉब भी पाकिस्तान की हाईली पेड जॉब्स में से एक है। प्रोजेक्ट मैनेजर का काम किसी भी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट की प्लानिंग, इसकी खरीदो फरोख्त और शुरू से लेके आखिर तक इस प्रोडक्ट की देखभाल करना होता है। पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी 25,000 से 1,50,000 रुपया पर मंथ होती है। नंबर 7, यूनिवर्सिटी लेक्चरर। दोस्तों, पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर में प्रोफेसर्स अपने स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स पर लेक्चर्स देते हैं। अच्छे लेक्चरर्स को यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी सैलरीज देती हैं। पाकिस्तान के अंदर प्रोफेशनल लेक्चरर्स 30,000 से 1,50,000 रुपया पर मंथ सैलरी लेते हैं। नंबर 6, एचआर मैनेजर। दोस्तों, ये जॉब 2019 की बेस्ट करियर जॉब्स में से एक है। एचआर मैनेजर का काम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की हायरिंग, रिलेशंस, कंपनसेशन और डेवलपमेंट को स्मूथली मैनेज करना होता है। इस जॉब में बहुत अच्छी सैलरी और अकोमोडेशन दी जाती है। पाकिस्तान के अंदर एचआर मैनेजर की सैलरी 35,000 से 1,50,000 रुपये पर मंथ तक होती है। नंबर 5, मार्केटिंग मैनेजर। दोस्तों, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की सक्सेस के लिए इसकी मार्केटिंग बहुत अहम किरदार अदा करती है क्योंकि इसी से कंपनी का इमेज बनता है। मार्केटिंग मैनेजर का काम कंपनी की मार्केटिंग करना होता है। ये जॉब काफ़ी मुश्किल है लेकिन इसकी सैलरी भी इसी हिसाब से है। पाकिस्तान के अंदर मार्केटिंग मैनेजर की सैलरी 30,000 से 2,00,000 रुपया पर मंथ तक होती है। नंबर 4, मैकेनिकल इंजीनियर। दोस्तों, किसी भी फैक्ट्री में मैकेनिकल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए इंजीनियर की ज़रूरत तो पड़ती ही है। मैकेनिकल इंजीनियर्स का काम किसी भी मैकेनिकल सिस्टम को डिज़ाइन करना, मैन्युफैक्चर करना और इसे मेंटेन रखना है। कंपनीज क्वालिफाइड इंजीनियर्स को हाई सैलरीज पे करती हैं। पाकिस्तान के अंदर मैकेनिकल इंजीनियर्स की सैलरी 30,000 से लेके 2,25,000 रुपये पर मंथ तक होती है। नंबर 3, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। दोस्तों, आईटी एक ऐसा शोबा है जो कि अब जिंदगी के हर हिस्से में शामिल हो गया है। पाकिस्तान के बड़े शहरों में बहुत से सॉफ्टवेयर हाउसेज मौजूद हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हाई सैलरीज पे करते हैं क्योंकि इनकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के अंदर आईटी प्रोफेशनल्स की सैलरी 50,000 से 5,00,000 रुपए पर मंथ तक होती है। नंबर 2, चार्टर्ड अकाउंटेंट।
चार्टेड अकाउंटेंट पाकिस्तान के अंदर 2019 की सबसे टॉप जॉब्स में पहले नंबर पर है। इस जॉब में फाइनेंशियल अफेयर्स जैसे कि चीफ अकाउंटेंट, ऑडिटर, CFO और फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम होता है। आजकल इस जॉब का बहुत ज्यादा ट्रेंड है और इसकी स्टार्टिंग सैलरी भी काफी अच्छी होती है। पाकिस्तान के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी 75,000 से 4,50,000 रुपए पर मंथ तक होती है। नंबर 1, एविएशन मैनेजर। दोस्तों, एविएशन मैनेजर एक हाई प्रोफेशन जॉब है। एविएशन मैनेजर का काम एयरलाइन की सेफ्टी और जहाजों की नेविगेशन को कंट्रोल करना होता है। ये एक हाई पेड जॉब है। इस काम के लिए स्पेशल ट्रेनिंग करनी पड़ती है और ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। इस जॉब में गलती से भारी नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर एविएशन मैनेजर की सैलरी 1,50,000 से 5,75,000 रुपये पर मंथ तक होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, हैदर टीवी को आप लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। तो इस वीडियो को इस बारे में बात करने से पहले पूछता हूँ कि क्या बनना चाहते हो? चिंकी क्या बनना चाहती है? मैं पूछ रहा हूँ बनना क्या चाहती है। स्कूल में वो साफ सफाई करते हैं वो नहीं तो स्कूल में टीचर ही होता है। स्कूल में टीचर और बाकी क्या होता है? वही होता है। तो दोनों में से तो एक बन सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप साफ सफाई करने वाले तो क्यों? वो भी जो भी होती है अभी देखिए, टीचर ने पायलट। स्कूल में कौन सा पायलट होते हैं? चलो, चिंकी का समझ में नहीं आया, जतिन से पूछते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है वो? प्रोग्राम्स बनाते हैं। ठीक है, और ये क्रिकेटर। एक अरब 30 करोड़ लोगों में से 11 लोग खेलते हैं, उसमें से ये आएगा हाँ, जिसको कैच करना भी नहीं आता, यूं करता है, मक्खियाँ मारता हो जैसे, बॉल आती तो यूं करता है। चलो, मैं यूं कर रहा हूँ, कोई कुछ गलत मतलब निकाल देगा। और दीपू छे डिसाइड नहीं किया अभी। नहीं, पायलट या पुलिस? पायलट या पुलिस? सिंगम। हाँ ओके, तो ये तो बन गए। हाँ, मैं तो बना हुआ ही। ठीक है, तो अब बात करते हैं वीडियो की। तो पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट जो मिलती है सैलरी, वो मिलती है एविएशन सेक्टर। एविएशन सेक्टर मतलब जो हवाई जहाज होते हैं ना, वो हवाई जहाज उड़ाना, वो पूरा इंजीनियरिंग, वो पूरा विमान प्लेन वो करना। हाँ, मतलब जो वहाँ पे एविएशन सेक्टर होता है उसमें सैलरी ज़्यादा ही मिलती है। किसी भी कंट्री में चले जाओ, एविएशन सेक्टर सबसे ऊपर होता है। सेकेंड नंबर पर CA है, चार्ट। तो ये जो सैलरी है 1.5 लाख, 1 लाख, 5 लाख, ये वाकई में मिलती है या फिर वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन आप बताना, फैक्ट बताना, वाकई में इतनी सैलरी मिलती है? क्योंकि 5 लाख रुपए मंथली इतनी हमारे इधर तो नहीं मिलती है, नहीं मिलती इतनी, जिसमें इतनी सैलरी बताइए। इतनी सैलरी तो यहाँ पे है नहीं इंडिया में। बाकी जितने भी जॉब्स थी उसमें से एक IT, एक जतिन ने कौन सा बताया था? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और इनमें तो मिलती है। इसमें एक पेट्रोकेमिकल इंजीनियर नहीं है, क्योंकि ये भी होते ही हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उसका पैकेज है 16 लाख रुपए पैकेज है उसका। 16 लाख पैकेज का मतलब साल के 16 लाख मिलते, तो मंथली 2 लाख होते हैं, तो भी इतने नहीं, मतलब इतने नहीं होते हैं जितने यहाँ पर बताया गया है। तो वो BPSL में जो BPSL सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो पाकिस्तान में जितने भी हाई पेड जॉब्स थी वो हमने देखी है। सबसे नंबर 1 पे एविएशन वाली आई थी, और नंबर स्टार्टिंग में कौन सी थी? मार्केटिंग की कौन सी थी? अरे बादाम खाओ रे, कौन सी थी? मार्केटिंग वाली। हाँ, मार्केटिंग में तो क्या है, जो रेशो बताया है तो वो उसका अलग अलग जितना एक्सपीरियंस होता है उस हिसाब से होता है। कोई न्यू कमर है तो उसको सबसे लोएस्ट मिलेगी, और जो जिसको अच्छा एक्सपीरियंस है उसको सबसे हाइएस्ट मिलेगी। मान लो CA है कोई नया है तो उसको 1 लाख मिलेंगे, जो सीनियर है उसको 5 लाख मिलेंगे। ये इनको डिफरेंस समझा रहा हूँ, क्योंकि इसमें लिखा है ना 5 से 5 लाख तक, तो वो उस काम में कितना पारंगत है, कितना एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से सैलरी बढ़ती है। अपन को भी जॉब करते हैं तो वो जो हर साल इंक्रीमेंट लगती है, तो
आगे बढ़ते हैं, ये जब जॉब करेंगे तो पता चल जाएगा। भाऊ की जॉब तो अपन को पता ही तो भाऊ कॉन्ट्रैक्टर बनेगा बिल्कुल। क्रिकेटर तो पता नहीं, क्रिकेटर से कॉन्ट्रैक्टर बनना तो मिलता जुलता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो शर्म भी आ गई। तो चलो फ्रेंड्स, ये जॉब्स का वीडियो देखा हमने, बच्चों के शायद सूटेबल था नहीं, इनके चेहरों से लग नहीं रहा है, दीपू को देख के तो लग रहा है नींद आ रही है, फिर भी कुछ नॉलेज हुआ। ये भी बड़े होंगे, कुछ होंगे तो उनको पता रहेगा कि हाँ वहाँ पे क्या है, क्या जॉब्स है। तो ये वीडियो और भी कोई अच्छा सूटेबल वीडियो हो जो थोड़ा इंफॉर्मेटिव भी हो, थोड़ा एंटरटेन भी करे, ताकि दीपू को नींद नहीं आए, इसलिए और भी अच्छे वीडियोस आप भेजना। अपने आसपास सफाई रखना, अपना ख्याल रखिएगा, पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, प्यार फैलाइए, पानी देते रहना, बाकी सूख जाएंगे। बाकी आप बच्चों को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, डिसलाइक मत कीजिए। ओके, डिसलाइक सब कुछ भी मत करना, पर डिसलाइक जरूर बिल्कुल भी मत करना। और कमेंट्स काफ़ी सेंसिबल कीजिएगा आप, क्योंकि कमेंट्स ये सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो प्लीज़ हेट्रेड फैलाने से कुछ नहीं मिलता है, यही मेरा मैसेज है। सब जगह लोग एक जैसे होते हैं, कभी किसी की कही हुई बातों में आके बिना कोई किसी तथ्य के बारे में जाने अपन किसी के बारे में राय रखें, वो गलत है। वो भले कोई कंट्री भी हो या कोई आस पड़ोसी भी हो, झगड़े हर जगह होते हैं। आप जब एक कंट्री से झगड़ा करते हैं तो अपने पड़ोसी से प्यार करते हैं या झगड़ा करते हैं, पहले ये सोच लीजिएगा, तो फिर पता चलेगा कि यार ये तो ह्यूमन नेचर हो गया ना, कि वो कहते हैं ना कहीं सुनाई बातों पे भरोसा करके किसी तीसरे के बारे में राय रखना, उसको बुरा बोलना, और जो हकीकत में वो बुरा होता नहीं है, तो ये उसको अफवाह बोलते हैं, अफवाह फैलाना। तो ये अपने दोनों कंट्रियों में प्रॉब्लम है ही है, तो धीरे धीरे इस अपन जैसे लोग मिलके इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। बाकी पॉलिटिक पार्टियां तो अपने वोट बैंक के लिए लोगों को भड़का के उनको अपने पास बुलाने के लिए कुछ ना कुछ डराना कराना, अरे यार वो मार देगा, ये कर देगा, तो होता तो कुछ होता नहीं है, पर अपन अंदर से डर होता है कि यार ये हकीकत में ऐसा होता है, तो अपन डर से अपन जीत नहीं सकते हैं, और वही सिचुएशन होती है। ये थोड़ी मैंने बड़ी बात बोल दी है, बच्चों के ऊपर से निकली है, सी ये पायलट बनना चाहती है ना तो इसके ऊपर से निकल गई। तो चलो, जो आप जो भी मेरी बात को अगर थोड़ा ज़हनी तौर पे समझे हो तो बताना आप क्या राय रखते हैं मेरी सोच से, क्या ये सही है, दोनों देशों के बीच में जो इतनी नफरत है क्या वो सही है? अगर सही है तो बताना क्यों है, और सही नहीं है तो कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है। चलो, और मैं आपका समय नहीं बिगाड़ूँ, आपका मतलब इनका। तो ये वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।